12वीं हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति नामक पाठ के शब्दार्थ वाले भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप इस भक्ति पाठ के चार भागों में, एक से लेकर चार भागों में, चार वीडियो लेक्चर में आपने इसका सारांश देखा, सारांश सुना। अब पाठ में कुछ ऐसे कठिन शब्द आए हैं जिसका आपको अध्ययन करना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। तो चलिए आइए हम चलते हैं सीधे पाठ्य पुस्तक में। विद्यार्थियों, ये हम सीधे भक्ति नामक पाठ देख रहे हैं, सीधे अपने पाठ्य पुस्तक पर आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 71 पर इस अंतिम पारा में एक शब्द आया इतिवृत्त। ये इतिवृत्त का अर्थ है, जैसे दिया कि भक्ति के जीवन के इतिवृत्त बिना जाने, अर्थात जीवनवृत्त मतलब घटना या कहानी, उनके जीवन का पूरा विवरण। अगले पेज में हम देखते हैं, पृष्ठ क्रमांक 72 में देखते हैं, एक शब्द आया है नहर। नहर मतलब मायका या माँ का घर। उसके बाद हम एक शब्द देखते हैं तीसरा, काकभूषणी। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा काकभूषणी, काक मतलब होता है कौवा, तो यहाँ पर काकभूषणी है, ये वास्तव में एक पौराणिक पात्र है जो कौवे का ही रूप है और पौराणिक पात्र था। पुराणों में इसका वर्णन है, रामचरितमानस में भी वर्णन है काकभूषणी जी का। जिस प्रकार रामचरितमानस की कथा शिव जी पार्वती को सुनाते हैं, उसी प्रकार रामचरितमानस की कथा काकभूषणी जी गरुड़ जी की सुनाते हैं। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य कौवा है। इसके बाद हम आइए इस पृष्ठ क्रमांक 72 में देखते हैं, एक शब्द आया है घुघरी। वास्तव में घुघरी, चूंकि पाठ की लेखिका यहाँ पर महादेव वर्मा जी हैं और महादेव वर्मा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी, तो यहाँ पर उनके उनके आंतरिक शब्द में खड़ा चना या बाजरे की सब्जी है। और वस्तुतः हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में घुघरी का तात्पर्य है कि उड़द की सब्जी को सिर्फ यदि नमक डाल के जब हम बनाते हैं तो उसको हमारे छत्तीसगढ़ समाज में उसको हम घुघरी कहते हैं। विद्यार्थियों, अगले पृष्ठ क्रमांक 73 पर हम देखते हैं, एक शब्द आया अलगौझा। अलगौझा मतलब अलग करना या बंटवारा करना, जब जैसे घर का बंटवारा होता है उस प्रकार उसे हम अलगौझा करने, अलग करने कहते हो। अब इस पेज पृष्ठ क्रमांक 73 में हम एक शब्द देखते हैं भैयाहू। भैयाहू का तात्पर्य है छोटे भाई की पत्नी। ये उत्तर प्रदेश का एक आंचलिक शब्द भैयाहू, अर्थात छोटे भाई की पत्नी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में छोटे भाई की पत्नी को अर्थात भाई बहू कहते हैं। उसके बाद एक शब्द आया है जिठौत। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जैसे कि जिठौत, जिठौत मतलब जेठ का पुत्र। विद्यार्थी, उसके बाद हम पृष्ठ क्रमांक 75 पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया है पितिया ससुर। पितिया ससुर का तात्पर्य है पिता का ससुर, अर्थात नाना जी। और एक शब्द दिया अजिया सास, ये मतलब है पति की दादी, है ना। अजिया सास मतलब वह पति की दादी।
हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ या आज भी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं कहा जाता होगा नाना को आजा कहा जाता था। तो कई शब्द यूपी के शब्द और छत्तीसगढ़ के कई मिलते जुलते उसी आजा उसी से बना है अजिया अजिया साथ। लेकिन यहाँ पर अगर ससुर होता तो दादा होता पति का दादा है ना, चूंकि अजिया सास इसलिए पति की दादी। उसके बाद आइए हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर विद्यार्थी चलते आइए अगले पृष्ठ पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस प्रकार भक्तिन किस प्रकार महादेव के सेविका भूमिका निभा रही चित्र में दिख रहा है आपको। पृष्ठ मांग हम देखते हैं 78 पर, यहाँ पर एक शब्द है बद्री केदार है ना, बद्री केदार और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके। तो बद्री केदार का मतलब है बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की बात यहाँ पर हो रही है। और विद्यार्थियों ये कठिन ये शब्दों का सफर यहीं तक। तो विद्यार्थियों आपने देखा कठिन शब्द किस प्रकार यहाँ पर आए हुए और निश्चित तौर पर अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार इस भक्ति नामक पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का एक दिलचस्प खाका खींचा है। ये वीडियो लेक्चर यहीं तक। विद्यार्थियों आप वर्तमान में फैले कोरोना महामारी से बचने तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम। जय हिंद, जय भारत।